बिस्मिल्ला सो टूडे वी गोइंग टू कंटिन्यू विद द स्टेटिस्टिकल टॉपिक्स वी आर डूइंग वी आर नॉट गोइंग टू बी इन गोइंग इन डेप आज वाला जो हमारा एरिया है वो एक छोटा सा एरिया है बट इट हैज भी लुक विद मोर अदर एरियाज ऑफ प्रोबिलिटीज़ बट ये एक थोड़ा सा की कॉन्सेप्ट है और इसका इम्प्लिकेशन है इसलिए भी गोइंग टू डिस्कस इन अ स्मॉल बिट बट इसको आप लिंक करेंगे आफ्टर रिवाइजिंग योर बेसिक कॉन्सेप्टिटी एंड देन इट विल मेक मोर सेंस टू यू

औरजिनेट डिसाइडिया तो दैट्स वाइट कॉल्ड बेस फार्मूलाज या बेस थियरम भी इसको कहा जाता है और ये स्टार्ट अक्सर मॉडल्स में यूज हो रहा होता है तो लॉजिक कैसे ड्राइव हो रहा है कि इसमें हमारे पास इसकी आपको बहुत ज्यादा डिटेल्ड नॉलेज नहीं चाहिए अगेन वी आर नॉट गोइंग टू बी स्टार्टन हेयर हम इसकी इम्प्लीकेशन फैक्टर में और इसका एक लर्निंग करव हमने बिल्ड करना है इसका पाथ क्या है कि हम लोग कह रहे हैं कि जी ईज जो हैं हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं मतलब वन दे आर नॉट ओवरलैपिंग विद ईच अदर और हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज के थ्रू हमें इसको रूट करें सो वी हैव दिस स्ट्रक्चर जो इसको बिल्ड अप कर रहे हैं और इससे हम अपना इस फॉमूले को ड्राइव देखते हैं कि हाउ इट इज़ बीग ड्राइव सो ड्राइव जो इस कैसे ड्राइव हो रहा है वो दैट्स वी जस्ट नीड टू हैव अ बेसिक आइडिया कि ये कैसे पाथ एग्जिस्ट करता है तो इसका जब हमने उसको सब्सिट्यूट किया उसके डेटे को तो फाइनल फिगर वी वी गेट इट इज दिस फॉर्मूला विच गिव्स अस द रिलेशनशिप ऑफ द पाथ और इसमें अगर हमारी जो एक अच्छी चीज़ ये है कि हमारे पास सिंपल डाटा गिवन है प्रोबेबिलिटी गिवन है ए की विद रिस्पेक्ट टू ई वन तो वी आर एबल टू कम अप विद द सोल्यूशन और इसका भी हम एक जो डेटा डाल के कुछ फिगर करेंगे तो देन यू विल हैव अ बेटर आइडिया हाउ इट्स गोइंग टू रिलेट चार्टर्ड एनालिस्ट एनी वन ऑफ़ द थ्री रूट टू गो टू वर्क उसके बाद पार थ्री पार्ट हैं ए बी एंड सी द प्रोबिलिटी दैट शी रीच रूट्स ए बी सी आर फिफ्टी फिफ्टी टू एंड सिक्सटी टू रिस्पेक्टिवली उनकी अपनी प्रॉबिलिटीज इंडिविजुअल गिवन हैं के रीचिंग ऑन टाइम इफ शी इज इक्वली लाइकली टू चूज एनी ऑफ द रूट एंड अराइव ऑन टाइम अब उसके पास चॉइस है शी कैन टेक एनी पाथ और अब हमारा क्वेश्चन क्या है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट शी चूज रूट ए अब हमने ये बताना है कि किसके क्या चांसेस हैं कि वो टाइम पे आई है और उसने पाथ ए अडॉप्ट किया है तो वो हमें डेटा बहुत लिमिटेड है बट गिवन द फैक्ट वी गोइंग टू यूज बेज फार्मूला टू ड्राइव ऑन इट का सोल्यूशन हमारे पास क्या आएगा जस्ट अभी तो यह एक नंबर है बट वील सी हाउ इट इज बींगलकुलेटेड सो दिस इज द रूट हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि कंडीशनल प्रॉबिलिटी का जो पाथ है वो कैसे मूव होता है थ्रू द बेस फार्मूला फर्स्ट यू चूज डिफाइन द रेलिमेंट इवेंट लेट ए देंट चूज रूट ए अगर वो ए रूट करती है बी इज द एवेंट चूज रूट बी और ये हमने तीनों ऑप्शन को डिराइव कर लिया लास्ट डिफाइन टी अराव ऑन टाइम टू वर्क क्योंकि हमने कहा था उसकी अपनी प्रॉबिलिटीज डिफर दैट इज प्रोबिलिटी दैट ए अब हमारा जो कंडीशनल चाह रहे थे कि वो टाइम पे पहुंच भी रही है और उसने पाथ क्या लिया है ए वी वॉन्ट टू फाइंड टर्न अराउंड प्रोबेबिलिटी ए एंड अगेन इट्स ऑन टाइम दैट चूज द रूट ए एंड रीच ऑन टाइम ये हम इसलिए पढ़ना जा रहे हैं क्योंकि हमें कंडीशनल लिंक्स देखने पड़ते हैं पोर्टफोलियोज़ में और उसके जब हम मैनेजमेंट कर रहे होते हैं तो वेन वी यू कैन सी टू दिस ब प्रोबिलिटी इज़ वन थर्ड प्रोबिलिटी या थ्री ऑप्शन अवेलेबल हैं उनको हमने उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबिलिटीज से अप्लाई किया फॉर्मूले में एंड यू कैन ईजीली सी द नंबर इज़ थर्टी पॉइंट नाइन तो ये हमें अब एक नंबर आ गया एक परसेंटेज आ गई कि बेस्ड ऑन द बेस फार्मूला और हमारी जो रिक्वायरमेंट थी देर इज़ थर्टी पॉइंट नाइन परसेंट चांस दैट शी है ऑन टाइम ये एक अच्छी टिप भी हमारे साथ है कि ये तब ज़्यादा यूज़ होगा व्हेन वी हैव डू डू सम कैलकुलेशन तो इस कैन बी प्रिसाइडेड बाई गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेरी जब बेसिक प्रॉबिलिटी मैंने भी शुरू में भी बात की थी कि इसको आप डायरेक्टली शायद पढ़ेंगे तो थोड़ा आप लॉस भी हो जाएंगे हम आगे अपनी क्लासेज में और आपके जो अदर करिकुलम पार्ट्स में जहाँ पे प्रॉबिलिटी है मेक श्योर यू बेक हैव अ बेसिक रिविजन ऑफ दैट प्रॉबिलिटी एंड देन दिस विल मेक मोर सेंस टू यू तो वो प्रॉबिलिटी कॉन्सेप्ट की बेस बना के वेन यू लुक एट द बेस फार्मूला दैट्स वेरी सिम्पल टू अप्लाई एंड यूज़ इन डिफरेंट सैनैरियो थैंक यू